लेकिन आपने बनाया तो मेरा आइडिया तो मैं कैसे बनाया, आज हम दोबारा बनाएंगे नेक्स्ट डे एस में। कैसे बनाएंगे आप लोग बताएं, अभी आपने रोटी वाला पढ़ा ना, तो हम कैसे नैब के लिए हम क्या बनाएंगे, रोट बनाएंगे या फिर फाइल कैसे बनेगा? 30,000 फोल्डर बनाएंगे, अगर हम फोल्डर बनाएंगे तो रोट नहीं बन जाएगा हमारे पास? अभी हमने जैसे एक प्रोडक्ट का फोल्डर बनाया, वो हमारे पास क्या बन गया राउंड लोकल पोस्ट और 3000, ये इसके बाद स्लैश, ये हमारा मेन फोल्डर मेन राउंड है, सही है? इसके बाद हमने क्या बनाया प्रोडक्ट, वो भी हमारा एक राउंड बन गया, ऐसा ही है। अभी हमने राउटिंग पढ़ा ना, जो हमने फोल्डर का नाम रखा वही हमारा राउंड बन गया, तो क्या हम नया बार का एक फोल्डर बनाएंगे? तो बीटीसी लिखते क्यों? तो अगर हम फिर लोकल होस्ट के आगे नैब लिखेंगे या फिर जो भी हमने उसका नाम रखा होगा फोल्डर, तो वो हमारे पास एक राउंड नहीं बन जाएगा, तो हम फोल्डर का एक राउंड बनाएंगे, ये आप कह रहे हैं? फाइल बनाएंगे, सही है। वो फाइल फिर हम कहाँ पे शो करवाएंगे? अभी हमने पढ़ा layout.ess, layout का एक फाइल पढ़ी है ना हमने, ये हमें सामने शो हो रही है। layout.ess, अभी आपने क्या बताया, हम इस फाइल में अपने सारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बताएंगे, यही आप लोगों ने बताया कुछ देर पहले, ऐसा ही है। इसमें हम क्या करेंगे, nav.tsx, अब हम अगर एक नैब बार का फोल्डर बना लें, तो हम नैब बार जो होता है वो तो अपने प्रोजेक्ट में हर पेज पे शो करवाते हैं, ऐसा ही है। तो अगर हम एक फोल्डर बना लेंगे उसका एक राउट बन जाएगा, तो वो फिर हम हर पेज पे कैसे शो करवाएंगे? क्या हर पेज, जब भी कोई पेज बनाएंगे या जब भी कोई फोल्डर राउट बनाएंगे उसके ऊपर हम इसको एज द कंपोनेंट इम्पोर्ट करवाएंगे, ऐसा? हाँ, लेआउट में हम क्या करेंगे, लेआउट में ये एक फाइल बनाएंगे नैब बार की, जो हम लेआउट में सबसे ऊपर अपना ये इंपोर्ट करवा लेंगे फाइल को। फिर इससे क्या होगा, हमारे पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी हमने राउट बनाए होंगे, हर पेज के ऊपर हमारा नैब बार और लास्ट पे फुटर शो हो रहा होगा, ऐसा ही है। नैब बार और फुटर हम दोनों फाइल्स बना लेंगे और वो हम लेआउट में इंपोर्ट करवा देंगे, और बाकी सारे एज द चिल्ड्रन, जितने भी राउंड्स जितने भी पेजेस वो एज द चिल्ड्रन हम लेआउट में बता देंगे, सही है। हम इसकी क्या बनाएंगे, फाइल नैब बार की, ये एक फाइल बना ली है मैंने nav.tsx। अब आप लोग बताएंगे इसका कोड हम किस तरह बनाएंगे, ये नैब बार बहुत से लोगों ने पहले बनाया हुआ है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, ये हमारा हो गया। अभी आपको रिएक्ट फ्रेगमेंट की जैसे समझ नहीं आ रही थी, वो क्या है रिएक्ट फ्रेगमेंट, ऐसे है हम एक पेरेंट बनाएंगे, ठीक है, वो हम डिव के नाम से भी बना सकते हैं, और एंगल, ये हम इसे कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है, इस तरह, ये एक एम्प्टी, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, ना डिव लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, बस इसका नाम है रिएक्ट फ्रेगमेंट। इसके अंदर जितने भी चाइल्ड, जितने भी हम हेडिंग यूज करेंगे, एज वन एज टू एज सिक्स तक हम जितने भी हेडिंग या फिर पैराग्राफ बटन जो कुछ भी जितने भी चाइल्ड है वो सारे इस पेरेंट पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने अपने इस पेज में सिर्फ जो राउट को इनपुट देना है वो एक ही पेरेंट देना है, ठीक है, वो एज वन या फिर पैराग्राफ हर एक को वन बाय वन नहीं लेगा, हम एक पेरेंट बनाएंगे और उसके आगे सारे चिल्ड्रन होंगे, वो जो हमारा पेरेंट है वो हमारा क्या होगा, या तो एक डिव होगा, और अगर डिव नहीं होगा एम्प्टी होगा तो हम उसे बोलेंगे रिएक्ट फ्रेगमेंट, समझ आ गई? ये हम paid.tss के अंदर डेव इसकी बात कर रहे हैं,
हाँ ये मेन फाइल है ना लोकल वॉच पे, इसके अंदर बन सकता है लेकिन हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम ये हमारा क्या मेन लोकल होस्ट का जो एड्रेस है ना मेन, ये वो है सही है, लेकिन हमने लेआउट में इसको इंपोर्ट करवाना है इस फाइल को, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट में सारे पेजेस पे नैव बार शो करवाना चाहते हैं। इसकी वजह से हम इसे कहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे, लेआउट में। अब हम बनाएंगे नैव बार, क्या रिपीट करूँ, नैव बार अभी बनाने लगे, अभी बस एक फाइल क्रिएट की है उसके अंदर कोड करने लगे। क्या नहीं समझ आया, फाइल स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, अभी हमने बस एक ही फाइल बनाई है nav.tsx के नाम से, इसको हम अगर हम फोल्डर में बनाएंगे उसका राउट बन जाएगा, जैसे प्रोडक्ट का भी राउट बनेगा, प्रोडक्ट का एक फोल्डर बनाया है उसके अंदर हमने pay.tsx की फाइल बनाई है, वो हमारे पास एक फोल्डर एक राउट बन गया है सही है। तो हमने नैव बार में राउट बनाना है या फिर हमने एक कंपोनेंट बनाना है, आप बताओ। अगर हम उसे एक राउट में बना देंगे नैव बार का, तो वो क्या होगा, हर पेज के ऊपर नैव बार शो होगा हमें, एक्सक्यूज मी, शो होगा हमें, आप बताओ, नहीं ना शो होगा। हमने हर पेज के ऊपर, जैसे आपने पहले कुछ प्रोजेक्ट्स, जैसे फर्स्ट क्लास में हमने बनाया था कॉन्टेक्ट और नैव बार के अंदर कॉन्टेक्ट होम और सर्विसेज कुछ इस तरह आपने बनाए थे ना, तो जब आप किसी भी पेज पे क्लिक करते थे उसके ऊपर नैव बार शो हो रहा था, नैव बार शो हो रहा था उस पर, नहीं ना शो हो रहा था, कैसे शो होगा, हम उसे layout.tsx की फाइल में चिल्ड्रन के ऊपर इस फाइल को इंपोर्ट कर देंगे। अब समझ आ गई, ठीक है चलो ठीक है। अच्छा राउटिंग कुछ भी नहीं है, जब आप पेज क्रिएट करते हो कोई भी है, लेट से मैं होम का पेज क्रिएट करूँगा तो उसका एक राउट बनाऊंगा जो नाम होगा होम, उसके लिए मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा होम पेज होम के नाम से, जब भी मैं कोई भी फोल्डर क्रिएट करूँगा वो ऑटोमेटिकली एक राउट क्रिएट करेगा नेक्स्ट जेस के अंदर, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, बताएगा हमारे पास अभी कितने पेजेस हैं, टोटल कितने पेजेस हैं हमारे पास, हमारे पास अभी दो पेजेस हैं, एक पेज है होम पेज जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट किसने दिया, नेक्स्ट जेस ने हमें दिया क्रिएट करके, वो कहाँ पे, ये मेरा पेज डॉट टी एस एस के नाम से, ये हमारा होम पेज है, जो भी हम काम करेंगे होम पेज के अंदर जो भी काम करेंगे वो उस पेज के अंदर आके काम करेंगे, इस फाइल के अंदर आके यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, होम पेज के अंदर, होम पेज कौन सा, ये रहा, ठीक है ये होम पेज है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ होम पेज पे, क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनली हेलो वर्ल्ड, वो यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारा होम पेज है, ठीक है। अब अगर कि मुझे और मल्टीपल पेजेस बनाने पड़ेंगे तो मैं क्या करूँगा, राउट बनाऊंगा, राउट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा, उस फोल्डर का नाम दूंगा, उसके अंदर एक फाइल लिख दूंगा पेज डॉट टी एस एक्स या जे एस एक्स या जे एस खाली, सही है। तो क्या हो जाएगा, एक राउट बन जाएगा हमारा। लेट से यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं फिलहाल प्रोडक्ट वाले को क्या करता हूँ, ऐसे करता हूँ और मैं ऐप के अंदर बनाऊँगा, याद रखना जितने भी राउटिंग करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, ऐप फोल्डर के अंदर,
जितना भी काम करेंगे हम फ्रंट एंड का वो सारा किसके अंदर करेंगे, ऐप फोल्डर के अंदर। अब मैं ऐप फोल्डर के अंदर एक और पेज बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम रखूँगा अबाउट, ठीक है। जस्ट मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम रखा मैंने अबाउट, ठीक है, और मैंने इंटर कर दिया। अच्छा, मैंने अबाउट क्रिएट कर दिया फोल्डर, क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ उसको डायरेक्ट जाके? नेक्स्ट से मैं ट्राई करता हूँ, मैं स्लैश अबाउट करता हूँ, क्या दे रहा है 404। क्योंकि इसके अंदर कोई फाइल ही नहीं, इसको कोई फाइल मिली नहीं है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, करता हूँ अच्छा, ये आर एफ सी क्या है ये बताया? ये इमेटेड सही है, ये शॉर्टकट है, अगर जिसको नहीं पता ये क्या चीज़ है वो क्या करेगा, एक्सटेंशन पे जाएगा, ये सेवन की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर देगा तो आ जाएगा, वरना मैनुअली क्या करना पड़ेगा आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेज लिखा हुआ, जिसमें ने क्या किया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, एक फंक्शन दे दिया पेज के नाम से, और उसके अंदर मैंने अबाउट पेज लिख दिया। अब मुझे अबाउट पे अबाउट अस का जो जितना भी मैं काम करूँगा वो किसके अंदर करूँगा, इस पेज के अंदर जाके करूँगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, राउटिंग वगैरह, राउटिंग वगैरह समझ में आ गई? इस पर कोई इशू है किसी को? नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ होती है, लेआउट डॉट जेएस की फाइल, वो क्या करती है किसी को पता है? अच्छा, ये ग्लोबल होती है, हमारे पूरे जितना भी प्रोजेक्ट है उस पर एक फाइल होती है लेआउट डॉट जेएस की फाइल, जिसके अंदर जो भी काम लिखेंगे वो पूरे पेज को एक्सेस होगा उसको, ठीक है। लेट से ये होम पेज हो गया, ये प्रोडक्ट पेज हो गया, इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे मिलता है वो डायरेक्टरी पे, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ कंपोनेंट, हम इसका चीज़ मान लेंगे, ठीक है। ये सर मैं यहाँ पे आके दिखा देता हूँ एक्सटेंशन की, ठीक है, ये वाला होगा, ये सर करूँ थोड़ा और, इससे ज़्यादा जूम करूँ तो मुझे नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये एक्सटेंशन कर देना, जिससे क्या फ़ायदा होगा, जस्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे मैन्युअली क्रिएट किया ना इनिशियल कोड, वो आप जस्ट सिंपली आर ए एफ सी करोगे तो आप क्रिएट कर लेगा मैनुअल जो इनिशियल कोड जो भी होता है कॉम्पोनेंट का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, पेजेस बनाना क्रिएट करना समझ में आ गया? अब हमने कितने पेजेस क्रिएट करने हैं, यहाँ पे पांच पेजेस हम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज एंड ब्लॉग पेज, हम पांच पेजेस क्रिएट करते हैं, सब अपने अपने पांच पेजेस क्रिएट कर लो, पांच पेजेस क्रिएट करने हैं सब। मैंने एक अबाउट है, अबाउट का पेज क्रिएट कर लिया है, सही है। मैं एक और पेज क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले ऐप पे क्लिक करूँगा उसके बाद क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्टेक्ट का पेज, फिर ये पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ सर्विसेज का, स्क्रीन हैंग हो रही है, देन ये कर देता हूँ कॉन्टेक्ट के, अरे स्क्रीन ऑफ हो गई है। अच्छा, मेरी
में ही करेंगे ना कॉन्टेक्ट अबाउट और उसके बाद अच्छा क्लास आप लोगों की पता नहीं मुझे तासुरात कुछ बेहतर लग नहीं रहे वैसे समझ आ रहे पक्की बात है राहुल समझ आ गया आपको राहुल समझ आ गया ठीक है अच्छा लेआउट पेज उन्होंने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छी तरीके से देखें लेआउट पेज आपने कभी खोल के देखा है ना तो वहाँ पे एक रूट लिखा हुआ है रूट लेआउट ठीक है आपका लैपटॉप है अच्छा करीना लेके गई करीना ने अच्छा आप लोग देखें लेआउट का पेज ओपन करना है आपके पास लेआउट के पेज में आपके पास रूट लेआउट लिखा होगा रूट लेआउट में आपके पास एक वर्ड लिखा होगा चिल्ड्रन का तो चिल्ड्रन का जो वर्ड लिखा है ना उस चिल्ड्रन की जगह आपने ये सारे पेजेस लिखे होंगे वहाँ पे जो आप बना रहे हैं ना पेजेस नेवा बना रहे हैं आप हेडर बना रहे हैं फुटर बना रहे हैं ये सब चीजें वहाँ लिख लोगे आप ताकि आप क्या कर रहे हैं उनको बता रहे हैं कि ये सारे चिल्ड्रन से ये पेज आपको रेंडर करना है ठीक है क्योंकि रूट हमारे पास एक ही है यहाँ पे सही और ये सब चीजें लेआउट पेज के अंदर आती है आ गया अच्छा हमारे पास क्या हो गया रॉड्स को भी सबको समझ में आ गया ठीक है पेजेस बना लिए सबने कितने पेजेस बनाए अबाउट कॉन्टेक्ट पेजेस बना लिए पेजेस बनाना आ गया ना सबको एक बार एक्सेस भी कर ले पेजेस को कैसे एक्सेस करेंगे मैंने अभी यहाँ पे ब्लॉग का पेज बनाया इसके अंदर मैं आऊँगा एक और एक फाइल क्रिएट करूँगा पेज दो मैं कॉन्टेक्ट के अंदर भी कर रहा हूँ सही कर दिया सबने इस तरीके से समझ में आया ना यहाँ तक ऐसा है किसी को जो नहीं आ रहा हो समझ में अभी भी पेजेस क्रिएट करना तो आ रहा है ना मैं इसको एक्सेस भी करता हूँ कॉन्टेक्ट अस पे मैंने कर दिया ब्लॉग्स में मैंने कर दिया अबाउट उसके अंदर भी मैंने पेज क्रिएट कर दिया सही है सर्विसेज के अंदर मैंने नहीं किया तो सर्विसेज के अंदर भी मैं कर रहा हूँ पेज भी लगाइए और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बताएं सारे एक तो ये तरीका दूसरा क्या है मैनुअली आप एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन का नाम से फंक्शन पेज के नाम से सिंपली सही है दो तरीके से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं ये तो पता है ना एक एरो फंक्शन से और दूसरा जो हमारे फंक्शन कीवर्ड से उससे कर सकते हैं ठीक है सेम इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर मैं इसको हटा के मैं क्या कर दूंगा खाली फंक्शन लिख दूंगा कौन को फिर मुझे हटाना पड़ेगा मैं अब यहाँ से एक्सेस करता हूँ सारे पेजेस को ये अबाउट हो गया ये कॉन्टेक्ट हो गया सही है कॉन्टेक्ट के अंदर मैं कॉन्टेक्ट यूज करता हूँ कॉन्टेक्ट का पेज आ गया ठीक है नेट से मैं कॉन्टेक्ट को मैं कॉन्टेक्ट कर देता हूँ फिलहाल ऐसे देख देखिए ये मैच नहीं हो रहा मैं अब इसको जूम करूँ ये चीज़ मैच होना चाहिए सही इसको बोलते हैं राउ ठीक है इसको बोलते हैं राउ ये मैच होना चाहिए आपके फोल्डर से जो भी आप फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं उससे मैच होना चाहिए अगर मैच नहीं होगा क्या होगा 404 का एरर दे रहा हूँ क्योंकि पेज इसको मिल नहीं रहा पेजेस
क्रिएट कर लिया। राउटिंग यहाँ पे समझ में आ गया सबको? अब हम जा रहे हैं डायनेमिक राउटिंग की तरफ, ठीक है? डायनेमिक राउटिंग की तरफ जा रहे हैं। किस तरीके से हम डायनेमिक राउटिंग करते हैं? अब डायनेमिक राउटिंग में किस में करूँगा? मैं ब्लॉक्स में करूँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरा ब्लॉक का पेज है, ब्लॉक्स के नाम से मैंने बनाया। क्या करूँगा मैं इसको? सबसे पहले ब्लॉक्स के अंदर आगे मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करूँगा जिस पे मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट्स दूंगा इस तरीके से, सही है? स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स दूंगा। उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा? आईडी पास कर दूँगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? मैंने एक फोल्डर लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आईडी पास कर दूँ और मैंने एंटर कर दिया, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? या दोबारा से करूँ? एक बार दोबारा से करूँ? मैं इसको करता हूँ डिलीट। ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या था? सिंपल एक पेज डॉट एसएक्स के साथ नाम से क्या था? फाइल, जिसके अंदर हम क्या कर सकते थे? सिंपल यहाँ पे आते थे, ब्लॉक्स कर देते तो इस तरीके से हम एक्सेस कर पाते थे ब्लॉक के पेज को। अब हमने कर रहे हैं कि ब्लॉक का जो पेज होगा ना वो डायनामिक होना चाहिए, ठीक है? ब्लॉक का जो पेज होगा वो डायनामिक होना चाहिए, जैसे हम कंटेंट हमारा चेंज होना चाहिए, हम कुछ भी डालें वो आया। उसके लिए हम क्या करेंगे? डायनामिक राउट क्रिएट करेंगे। डायनामिक राउट कैसे क्रिएट करेंगे? ब्लॉक्स स्लैश, मैं अगर करूँ स्लैश वन, मतलब ये वाला ब्लॉक हमारे पास नजर आए, मैं स्लैश करूँ टू, तो हमारे पास दूसरा ब्लॉक का पेज नजर आए, तो ये डायनामिक हो जाएगा। पेज हमारा एक ही होगा, लेकिन क्या होगा, आईडी के बिहार पे क्या होगा, डायनामिक रेंडरिंग होगी हमारी। उसको देखते हम कैसे करेंगे। सिंपल मैंने क्या किया, ब्लॉक का पेज है उसके अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर ब्लॉक के पेज के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, सही है? इस ब्लॉक के फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैं नाम क्या रखूँगा, आईडी। सबसे पहले आईडी को रखने से कैसे रखूँगा मैं, स्क्वायर ब्रैकेट देन आईडी पास करूँगा, देन मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा और क्या करूँगा, एंटर कर दूँगा। यहाँ तक समझ में आया? सिंपल मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया ब्लॉक के पेज के अंदर, ब्लॉक के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम मैंने क्या रखा है, आईडी रखा है। ये इसका चाइल्ड है, ये इसका क्या है, पेरेंट है, ठीक है? अब इस आईडी के अंदर मैं क्या करूँगा, एक पेज क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं क्या रखूँगा, पेज डॉट एसएक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो बाहर वाला जो पेज था मैं इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। जहाँ मैं काम करता हूँ उसको कंट्रोल कर लूँगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई क्वेश्चन यहाँ तक नहीं? अब मैं अगर एक्सेस करना चाहूँगा, एक्सेस हो रहा है? अब हो रहा है एक्सेस? अब मैं अगर कि यहाँ पे 5 लिखूँ तब भी आ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि कैसे आ रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे 13, ठीक है? इस पैराग्राफ को हम कोई ना कोई टाइप देंगे, यार बता रहे टाइप इसके, ठीक है? एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? आज अनाउंसमेंट डे बेसिकली। एक तो गलत हो गया था बाइक वाला, गलत था वो? हाँ, बोले उस तरफ वाली नहीं, इस तरफ वाली बोली थी, हम बाहर जाके वापसी आएंगे। पता नहीं मुझे, जो जो पढ़ाया गया वो मैंने पढ़ के सुना दिया आप लोगों को, है?
मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा चलो अच्छा होगा, कम से कम आपको निकलने का मौका मिल गया ना, वहाँ चक्कर लगा के आ गए धूप में। खैर अनाउंसमेंट ये है कि अभी डॉक्टर साबिर नाइक का जो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो 6 बजे का बताया था ना मैंने आपको कोचिंग सेशन, तो उसकी पासेस अवेलेबल है यहाँ पे, तो जिसको पासेस चाहिए हो तो वो उनसे ले लीजिएगा सामने जाकर, ठीक है? समझ आ गई आप लोगों को? पासेस के बगैर एंट्रेंस नहीं होगी आप लोगों की, और पासेस आपको कहाँ से मिलेंगे? वहाँ से मिलेंगे, एडमिन साइड से मिलेंगे, ठीक है जी? बाहर की मेरी आएंगी वो वहीं पे होंगे ना, आप लोगों को वहाँ पे जाना होगा, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको पास दिखाना पड़ेगा। पास क्या कह रहे हो? चार्जेस वो फ्री में, फ्री एवरीथिंग इज फ्री। ये बम्पर अम्पर ऑफर, मैंने कहा ये बम्पर ऑफर। अभी कहाँ जा रहे हैं? पास ले रुक जाए, अभी क्लास खत्म हो रहे थे, क्लास खत्म होने के बाद पास ले जाएगा और लास्ट भी अटेंड कीजिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों को तो बहुत जरूरी है वैसे भी। नहीं आप आइए फिर हम जाएंगे। नहीं तो हम नहीं जाएंगे। अब्दुल्ला भाई को वैसे थोड़ा होगा हाथ लगा दे सारा, वीडियो गई बढ़ गई तो प्रोग्राम बढ़ गया। तो है क्या बस बस सही अच्छा यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? हाँ ये चीज नहीं था आपको, ये चीज समझ में आ गई किस तरीके से हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम यहाँ पे करेंगे एक चीज, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है आउटपुट 5 मिल रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे मैं करूँगा 7 तो मुझे क्या मिल रहा है? इसका मतलब क्या है? डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग क्या करते हैं, हमें एक हम सिंगल पेज बनाते हैं लेकिन डायनामिकली क्या होता है, कंटेंट चेंज होता है। अब हम क्या करेंगे इस आईडी की बेस पे क्या करेंगे, हम डायनामिक पेजेस क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे लिख देते हैं यार दैट्स नॉट गुड डिस्टर्बेंस ऑफ द। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे ये प्रोग्राम तो बढ़ गया, मैं आपने ये अनाउंसमेंट करनी नहीं दी। स्टूडेंट्स क्लास खत्म हो गया उसके बाद आके ले जाएगा, इसलिए तो मैनेजमेंट को चाहिए ना मना करना, तो मैनेजमेंट को चाहिए मना करना। यहाँ पे ना आप लोग इम्पोर्टेंट बात चल रही है, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, क्लास की बात आप ले सकते हैं ना, या कुछ हो जाए क्लास के बाद आप अपने ठहरने के लिए एक घंटे तक यहाँ पे, बहुत सारे पास से कहीं जाने वाले, टेंशन ना लें आप लोग। फोटो कॉपी आप खुद भी तस्वीर खींच कर रख सकते हैं मोबाइल के अंदर अपने। अच्छा असाइनमेंट छोड़ नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट क्या आप लोगों का, आप लोगों ने यही नेटवर्क क्रिएट करके आनी है लेकिन आपने टैलमेंट का यूज करना है, अभी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा टैलमेंट खुद से,
कैलोरी की डॉक्यूमेंटेशन निकालें, उसमें से कोई भी एक नैप बार निकालें अपनी पसंद का और कैलोरी के साथ नैप बार बना के आएंगे। ये आपका असाइनमेंट से क्लास और नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट है आपका। आप लोगों ने जो है नैप बार बनाना है ऐसे ही, लेकिन उसके अंदर यूज करना है कैलोरी डाल। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ये मैंने बनाई है, ठीक है, ये क्लाइंट की वेबसाइट थी, ये नेक्सस के ऊपर है, ठीक है। अब हमने इस पर डायनामिक राउटिंग कैसे अप्लाई किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ब्लॉग का पेज आ गया, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये ब्लॉग का पेज आ गया, सिंपली हमने क्या किया यहाँ पे ब्लॉग का पेज क्रिएट किया, कैसे, इस तरीके से। अब ये 404 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ इस ब्लॉग के अंदर की एक देता हूँ। ये ब्लॉग का पेज आ गया यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया सबको। हमें लाइव वेबसाइट दिखा दो जो मैंने क्रिएट की, जिस पे मैंने डायनामिक राउटिंग लगाई। ये ब्लॉग का पेज आ गया यहाँ पे। अब इस ब्लॉग के पेज में क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्लॉग शो हो रहे सारे, ऐसा ही है। अब मैं किसी एक ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, लेट से मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो क्या आ रहा है, इसके अंदर मल्टीपल और ब्लॉग्स आ रहे हैं, ऐसे ही है। वो कैसे आ रहा है, इस आईडी की बेस पे आ रहा है। इन्होंने ये क्या पास किया हुआ, डायनामिक पास किया हुआ। लेट से मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, मैं इस पेज पे क्रिएट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये नज़र आ रहा है, सिर्फ ये चीज़ चेंज हो रहा है, बाकी आप लेआउट देखे हुए बिल्कुल सेम लेआउट, लेआउट सेम नज़र आ रहा है पूरा। इसका लेआउट देखें, और अगर कि मैं इस पेज पे लेआउट आता हूँ, इस पेज पे देखता हूँ, इस पेज का लेआउट देखें, लेआउट सेम है बिल्कुल, कंटेंट डिफरेंट होगा अंदर, ये कंटेंट यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। अब इस पेज पे कंटेंट डिफरेंट आ रहा होगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस ब्लॉग पे कंटेंट डिफरेंट आ रहा है। ये समझ में आया क्यों कर रहे हैं हम डायनामिक राउटिंग। अब मैं अगर किस एक सिंगल पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर मल्टीपल और डायनामिक राउटिंग में देखें किस तरीके से, इसका सिंगल पेज आ गया। समझ में आया ये चीज या नहीं आया चीज समझ में, किसको नहीं आया चीज समझ में, डायनामिक राउटिंग किसको समझ में नहीं आया। अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, स्लैश करता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं बटन लगा देता हूँ, क्लास ही सारी बढ़ गई। अच्छा, जिसके बाद जो स्टूडेंट का आईडी कार्ड है ना, वो उसको दिखा के ना अलाउ कर सकते हैं, वो जा सकता है उसको, सही। आपको पासिस की ज़रूरत नहीं होती, आप जैसे स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखाएं, उसके ब्याह पे आपको अलाउ कर देंगे, आपको पासिस की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट कहेंगे आप अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। ये फोल्डर क्रिएट हो गया, सिंपल राउट है ये, यहाँ तक समझ में आया ये सिंपल राउट। तो सर बस, अब डायनेमिक राउट क्या है, डायनेमिक राउट ये है कि आप डायनेमिकली राउट पेजेस बना रहे हैं। मैं नेट से एक और, मैं एक और यहाँ पे इसके आगे स्लैश वन लिखता हूँ, तो ये क्या आ रहा है, दिस इज पेज वन। अब मैं अगर कि स्लैश टू करूँ तो क्या होगा, दिस इज पेज टू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस आईडी की बिहाफ पे मैं यहाँ पे कंटेंट शो कर रहा हूँ, पेज मेरा एक ही है, ये पेज एक ही है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है, पेज मेरा एक ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेज पे क्या कर रहा हूँ, मैं डायनामिकली कंटेंट शो करवा रहा हूँ।
इस आईडी की बिहाफ पे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस आईडी की बिहाफ पे डायनामिकली कंटेंट को पेज को दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो स्लग को यूज़ किया हुआ है, ये चीज़ यूज़ की है, इसके बिहाफ पे दिखा रहा है। अगर कि ये चीज़ मीट करती है तो उस पर ये कॉन्टेंट दिखा दो, अगर कि इसको ये चीज़ मिलता है तो इसको ये वाला कॉन्टेंट दिखा दो, कुछ इस तरीके से। लेआउट बिल्कुल सेम है, तो ये चीज़ आपको ये चीज़ अभी आपको बाद में समझ में आएगी, जब हम ब्लॉग्स क्रिएट करेंगे, जब हम इंटरनली और ज़्यादा चीज़ें क्रिएट करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगी जब हम पूरे पेजेस क्रिएट करेंगे। फिलहाल आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए डायनामिक राउटिंग के मतलब किस तरीके से क्रिएट होता है। ब्लॉग के अंदर हमें कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे जिसके अंदर हम आई डी पास करते हैं। अच्छा, जैसे हम आई डी पास नहीं कर सकते, हम कुछ भी पास कर सकते हैं, लेट से पैरम पास कर सकते हैं, लेट से स्लैग पास कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एक्सेस करने के लिए क्या करोगे, कुछ इस तरीके से एक्सेस करोगे। मैंने यहाँ पे पैरम्स लिख दिया, यहाँ पे पैरम्स डॉट आई डी, इस आई डी को मैंने एक्सेस कर दिया। पैरम्स क्या होते हैं, ये चीज़ पैरम्स कहलाती है, जो भी हमारा जो लास्ट एंड पॉइंट होता है ना, इसको पैरम बोलते हैं। इसको मैंने एक्सेस करना हो तो मैं क्या करूँगा, पैरम्स डॉट आई डी, आई डी क्या है, ये वही है भाई, यहाँ पे ये चीज़ को मैच करोगे। अच्छा, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये जब हम पेज क्रिएट करेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि किस तरीके से हम डायनामिक राउट पेज क्रिएट कर सकते हैं, खाली क्रिएट करना आ गया। अच्छा, ये टाइप एरर नहीं है, ये हमारे पास इसको हमने कोई टाइप डिफाइन नहीं किया, इसको हम टाइप डिफाइन कर लेंगे तो आ जाएगा। यहाँ फिलहाल हम ये नहीं कर रहे। अच्छा, हम उसको इस तरीके से नहीं कर सकते, हम ऊपर यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें टाइप देनी पड़ेगी। ये हम जब टाइप स्किप कर रहे थे तो हम करेंगे, फिलहाल हमें इसका काम नहीं हुआ है। तो आपको डायनेमिक लेआउट भी समझ में आ गया, अब हम लेआउट के ऊपर जाएं, लेआउट की तरफ चले जाएं। नो सर, नहीं, दो मिनट। अच्छा सर, तो आप डायनेमिक लेआउट क्रिएट करें एक, उसके बाद मुझे दिखाएं। कर दिए सबने, सबने कर दिया डायनेमिक राउंड क्रिएट करना आ गया। अच्छा, मैं एक काम ये भी करूँगा कि मैं आपको ना इसके से दोबारा से एक इंस्टॉलेशन करके पूरी एक वीडियो बना के कामों के साथ शेयर कर दूँगा, चाहिए, जिसमें मैं क्या करूँगा, आपको इनिशियली सारी चीज़ें बताऊँगा कि जो जो बच्चों के जो इशूज़ आ रहे थे। मैंने यहाँ पे देखा काफ़ी बच्चे ऐसे जिन्होंने प्रोजेक्ट रन कर दिया है, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। लेट से यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट है, अब यहाँ पे जो कमांड्स ये लोग रन कर रहे हैं वो जो हमारा फोल्डर है उसके बाहर जाके रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट ही रन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जो मिस्टेक्स हैं ना, मैं